पिता एक उम्मीद है, एक आस है, परिवार की हिम्मत और विश्वास है। पिता संघर्ष की आंधियों में हौसलों की दीवार है, परेशानियों से लड़ने को दोधारी तलवार है। पिता जिम्मेवारियों से लदी गाड़ी का सारथी है, सबको बराबर का हक दिलाता यही एक महारथी है। सपनों को पूरा करने में लगने वाली जान है, इसी से तो माँ और बच्चों की पहचान है। पिता जमीर है, पिता जागीर है, जिसके पास ये है वह सबसे अमीर है। मेरे पिता दुनिया के सबसे प्यारे पिता है, वो मेरे सच्चे हीरो, पक्के दोस्त, मेरी प्रेरणा और अभी तक के देखे मेरे जीवन के सबसे अच्छे इंसान हैं। वो हमें जीवन में समय का मूल्य सिखाते हैं कि अगर कोई अपना समय खराब करता है तो वह जीवन को नष्ट करता है। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है, सूरज गर्म जरूर होता है लेकिन अगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। वचन संहिता 103:13 इस प्रकार से कहता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। ये वचन दया के बारे में बात करता है। दया वो नहीं जो एक व्यक्ति दूसरे पर नहीं करता है, या कोई स्वतंत्र व्यक्ति बंदी पर नहीं करता है, या अमीर व्यक्ति किसी निर्धन पर नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर वो दया का वर्णन है जहाँ पर एक पिता अपने संतान पर दया करता है। लूका अध्याय 15:11-32 जब हम देखते हैं तो वहाँ पर उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है, जहाँ हम देखते हैं कि पिता कैसे अपने पुत्र पर दया करता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसा पिता है जो अपने बच्चों को जो ज्ञान में कमजोर है उन्हें शिक्षा देता है। जब वे गुस्सा होते हैं तो पिता उन पर तरस खाता है और उनको सहता है। जब वे बीमार होते हैं तो उन पर दया करता है और उन्हें शांति देता है, और जब बालक गिरते हैं उन्हें उठाता है। यदि बच्चे पिता को ठेस पहुंचाते हैं फिर भी उन्हें क्षमा करता है। इस प्रकार यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। आज जब विश्व भर में फादर्स डे मनाया जा रहा है तो क्यों ना हम अपने फादर्स का, अपने पिताओं का धन्यवाद दें, उनकी मेहनत को उनको सराहें कि कैसे उन्होंने हमें बड़ा किया है और इतने बलिदान उन्होंने हमारे लिए किए हुए हैं। हम उन्हें याद करें और उनका धन्यवाद दें, और यदि हो सके तो उनके लिए तोहफा हम खरीदें और उनको खास, उनको स्पेशल फील कराएं। आप सबको हैप्पी फादर्स डे। बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ रश्मि सिंह। आशा करती हूँ संदेश आपको पसंद आया होगा। संदेश को अपने परिवार के सदस्यों में, अपने मित्रों को बांटें ताकि उन्हें भी आशीष मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसे प्रेरणात्मक संदेश आपको मिलते रहें।